मौजूद हैं पटना केड़ा गुल्ला चौराहे पे, जहां पे भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप तुम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से पटना केड़ा गुल्ला चौराहे पर तमाम विपक्षी दलों की जमावड़ा है, पूरे तरीके से रास्ते ब्लॉक कर दिया गया जो चौराहा है, यानी कि चौराहा मतलब चार रास्ते से बाहर होता है, चारों रास्ते पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो विपक्षी दल है वही दिख रहे हैं और पूरे तरीके से रास्ते ब्लॉक कर दिया है। सीधे जुड़ते हैं यहाँ मौजूद लोग हैं जहाँ के कार्यकर्ता है राजू दानवीर जी, इनसे बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राजू जी का। राजू जी आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, धान कुछ तरीके से रखा है नीचे में और आप बंद का समर्थन कर रहे हैं, क्या लगता है किसानों की समस्या का निपटारा कब तक हो पाएगा? सरकार है उसके बाद जो सरकार है उसके बाद जो सरकार है ये जब तक नहीं सुनेगी जन अधिकार पार्टी आंदोलन जारी रखेगी किसानों के समर्थन के लिए, किसानों के हक के लिए ये लड़ाई लड़ती है। लेकिन कल देश के कृषि मंत्री का बयान आता है कि वो किसान आंदोलन से निपट लेंगे। किसान आंदोलन से कैसे निपटेंगे? किसानों के हित की बात करेंगे तो ना, किसानों की तो हित की कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ है जो कि यहाँ है कि किसी तरह से आवाज़ को दबाना है, अब तानाशाह नहीं चले। आखिर समस्या क्या है कृषि बिल में, व्यापक समस्या क्या है बता सकते हैं? देखिए समस्या बहुत तरह का है, हम है कि अडानी और ये सब शुगर वार का कंपनी जो है तय करेगी किसानों का मूल्य क्या होगा, सरकार तय करेगी किसानों का मूल्य क्या होगा, तो ये सब जो MSP विवाद चल रहा है, ये सब कई मांगों को लेकर किसानों का जो धरना चल रहा है और जो आंदोलन आज देशव्यापी आज भारत बंद है। तस्वीरों के माध्यम से आपके सुप्रीमो पप्पू यादव है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन कल कृषि मंत्री का बयान आता है कि वो प्रदर्शन से निपट लेंगे, आंदोलन से निपट लेंगे। पहले वो अपने घटक से निपटे, मडाला से निपटे, रोजगार से निपटे, वो उतरे हुए हैं। कब तक आप उतरे रहेंगे सड़कों पर है? 16 से अनिश्चितकालीन धरना होगा, 23 तारीख से हम लोग पूरा किसान मजदूर रोजगार यात्रा निकाल। चलिए ये थे हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, साफ तौर पर कहना है कि अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने जा रहे हैं अगर सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं करती है या जो कानून इसे वापस नहीं लेती है तो अनिश्चितकाल के लिए धरने पे बैठेंगे। आपको बता दें कि पप्पू यादव ऐसे नेता है जो कि हर एक जो समस्या होती है चाहे युवा की समस्या हो किसी भी समस्या, उसे पप्पू यादव कहीं ना कहीं आगे जरूर आते हैं और सरकार के खिलाफ में खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, आंदोलन भी करते हैं कई बार, और इसी कड़ी में किसानों के हित में आज यहाँ पे आए हुए हैं। साथ ही कुल मिलाकर बता दें तो बिहार और समेत पूरे देश के कुल मिलाकर 22 ऐसे दल हैं जिसने किसान आंदोलन को समर्थन किया। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना था अगर कोई विपक्षी दल हमें समर्थन करना चाहता है तो अपना झंडा का इस्तेमाल ना करें, अपने लोगों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है आपको तस्वीरों में दिखाएंगे तमाम जो यहाँ पर राजनीतिक दल हैं जो यहाँ आए हुए हैं अपने अपने बैनर के साथ आए हुए, अपने अपने झंडे के साथ आए हुए, यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपना निजी स्वार्थ के लिए भी ये लोग काम कर रहे हैं, किसानों के हित में यहाँ पे खड़े हुए। देखने के बाद ये कि क्या होता है ये इस बिल को वापस किया जाता है या फिर नहीं। तस्वीरों में देखिए जो यहाँ पे जाप के जो सब पता चलता है कि जो किसान का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया, भले ये जो नेता है या जो दल है निजी स्वार्थ के लिए पाए हो या फिर वास्तव में किसानों के हित में सोच रहे हो, लेकिन यह जो पटना के टैक्स बोलना चौराहे पर जमावड़ा है तमाम राजनीतिक दलों का साफ तौर पर समझा जा सकता है। सरकार के लिए कहने की यह चुनौती जरूर होगी। हालांकि कल कृषि मंत्री का बयान आया था कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं या जो किसान आंदोलन हो रहा है इससे निपट लेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होता है, क्या किसान आंदोलन कब तक जारी रहेगा या फिर ये आंदोलन शांत होगा या सरकार किसानों के सामने सर झुकाएगी और इस नए कृषि संशोधन कानून को वापस लेगी। बहरहाल ऐसी खबरों के लिए बने।